हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं, आज हम और एक बार पावर वॉशर का पूरा एक वीडियो आपके लिए अनबॉक्सिंग करने के लिए लेके आए हैं। पूरा डेमो रिव्यू, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या उसका पावर है और नल के पानी में चलेगा, बाल्टी के पानी में चलेगा, कंप्लीट आपको उसका हम रिव्यू देंगे, बताएंगे और डेमो करके आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। तो जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। और आपको अगर कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे कमेंट करें। और ये सारा जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको आज जो यूज करने वाले हम, हमारे पास कॉम्प्रेसर मिल जाएगा, फॉर्म गन मिल जाएगा, फॉर्म की कैन मिल जाएगी 304 स्टील के अंदर, और ये जो आईमैक का प्रेशर वॉशर है ये आपको 2100 वॉट का आएगा। ये सारा प्रोडक्ट आपको किंग टूल सूरत पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उनका मोबाइल नंबर और शॉप का जो एड्रेस है वो मैं दे रहा हूँ। चलिए शुरू। बॉक्स को हमने पहले से ओपन कर लिया है। सबसे पहले ये ऊपर का जो 0 नंबर का नोजल हमको अंदर मिलता है और एक ऑयल का कैप हमें मिल रहा है और जो गन है, गन को लगाने के लिए हमें एक स्टील का हैंडल मिलता है। उसके अंदर ये आगे हमारे पास गन है, अच्छी क्वालिटी का गन है। यहाँ पर इस पर टी लगी हुई है जिसके अंदर आप आगे से ये नोजल लगा सकते हैं। 0 का एक नोजल आपको मैं लगा के बता देता हूँ। यहीं पर ये वाला 0 का नोजल आपका यहाँ पर लग जाएगा, ये आपका नोजल है। बात यह है कि ये वाली जो गन है हमारी दूसरी गन के मुकाबले छोटी है। ये वाली जो गन है ये छोटी है, इसके अंदर क्या है कि आप अंडर बॉडी अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी गन इतनी लंबी लंबी आती है। वो क्या है, आप अंडर बॉडी के अंदर आप कवर नहीं कर पाते। ये अंडर बॉडी के अंदर आपको बहुत ही उपयोगी रहेगी। इसके अंदर खास एक अटैचमेंट लगता है अंडर बॉडी को वॉश करने के लिए, पूरा एक यूनिट आता है ट्रॉली वाला, वो भी किंग टूल सूरत पे हमारी शॉप पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हमने उसका डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है अंडर बॉडी वॉशिंग का। हैवी है ना मशीन? बहुत हैवी मशीन है। मैं पावर वगैरह आपको सब डिटेल बताऊंगा। और इसका जो हॉर्स पाइप है ये भी बहुत हेवी है, देखिए आप, बराबर बहुत हेवी हॉर्स पाइप है और बहुत बड़ा है, काफी लंबा ये पूरा हॉर्स पाइप है। अभी मैं इसको पूरा आपको खोल के बताने वाला हूँ। देखिए मैं आपको पूरा खोल देता हूँ। दस पंद्रह मीटर के करीब होगा ये। डाउन में पकड़ता हूँ। देखिए काफी बड़ा है, 10 मीटर तो है ही है, 10 मीटर है। ठीक है, ये इसका आगे आपको नोजल मिल जाएगा, कैसे लगाना है वो आप, मैं आपको मशीन में बता देता हूँ इसको कैसे लगाना है। और गन के अंदर भी लगाना और मशीन के अंदर लगाना बिल्कुल आसान है। देख सकते हैं आप, ये जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। दोस्तों ये मशीन हैवी है, तो ये जो इंडस्ट्रियल ग्रेड का मशीन है ये, तो इसके जो ट्रिगर वगैरह है ये भी बहुत हेवी है और पाइप भी, होस वगैरह बहुत हेवी है। आप इसके ऊपर खड़े भी हो जाएंगे या आपका व्हील व्हील भी या मशीन का पाना वगैरह भी, आप गाड़ी भी चली जाएगी इसके ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 120 बार का प्रेशर है। और ये रहा हमारा मशीन, काफी हेवी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा, वाटर और ये पूरा SS का इसका कवर दिया हुआ है, इसका वायर है और ये पूरा इसका यूनिट है प्रेशर बनाने के लिए। यहां से आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये हमारा प्रेशर मीटर आ गया, 400 बार तक का प्रेशर ये जा सकता है, मगर कहां तक जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। और इसके ऊपर एक हैंडल भी आ रहा है, ये रहा हमारा हैंडल। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हैंडल के ऊपर सारा डिटेल लिखा हुआ है। पावर जो है इसका 2.1 केवी का है, मतलब 2100 किलोवाट का ये पावर वाला मोटर है। और प्रेशर इसके अंदर 120 बार आपको प्रेशर मिल जाएगा और वोल्टेज वगैरह दिया हुआ है। स्पीड इसकी 2800 आरपीएम आपको मिल जाएगा और इसका जो पानी फेंकने का रेट है वो आपको 15 लीटर पर मिनट का ये पानी फेंकेगा, 15 लीटर पर मिनट। जितने आप 15 लीटर एक मिनट के लिए चालू रखेंगे तो सिर्फ 15 लीटर आपका पानी यूज होगा। आसानी से लग जाता है ये, दो नोजल उस पर भी दिए।
पानी का जो इनलेट वाल है वो आपका यहाँ पर लग जाएगा, देख सकते हो आप, ये आपका यहाँ पर इनलेट वाल लग जाएगा। धोके बता दूंगा और बाल्टी में भी धोके बता दूंगा। अभी शुरुआत करूंगा आपको बाल्टी के पानी में, उसके अंदर मैंने 10 लीटर का बाल्टी भरा हुआ है, 15 लीटर का, वो मैं आपको भर के बताऊंगा और शुरू करके बता दूंगा मैं, ठीक है? चलिए तो दोस्तों, ये इनलेट का जो वाल है, पहले तो इतना सारा पानी हमारे पास ऑलरेडी टैप में है, नल के पानी में हम यूज करेंगे, मगर आपको एक बताने के लिए कि ये बाल्टी के पानी के अंदर से भी खींच सकेगा। कितने व्यूअर्स ऐसा पूछते हैं कि भाई इतने हाई प्रेशर के लिए आपको वाटर भी हाई प्रेशर का चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आप पानी कहीं से भी ले सकते हैं, कुएं में अगर होगा कुएं में से भी पानी ले सकते हैं, बोतल का पानी होगा उसको भी आप ले सकते हैं, मगर क्या है कि प्रेशर तो बनाने का काम इसका है, ये प्रेशर मेंटेन करेगा और प्रेशर बनाएगा, ठीक है दोस्तों? अब हम शुरू करते हैं। प्रेशर इसका काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा प्रेशर इसका, हाँ बहुत काफी ज्यादा प्रेशर। तो इसका नट वगैरह मैं टाइट कर लेता हूँ। सिस्टम लगा हुआ है, चलो मशीन की पहले समझिंग दोस्तों। पानी हमने यहाँ पे इनलेट ले लिया है, ये आउटलेट है, बहुत ही पावरफुल होज है, ये जो पूरा कवर है ये एसएस का है, यहाँ पर हमें ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा येलो कलर में, ये भी आप गीले हाथ से काम कर सकते हैं, पूरा कवर किया हुआ है यहाँ पर, ऑन ऑफ ऑन ऑफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरी एक बात बता दूं, खास बात, ये मशीन पूरा प्लास्टिक के अंदर कवर किया हुआ है, ये वाला जो पार्ट मिलेगा ये भी आपको पूरा प्लास्टिक का मिलेगा, नीचे आपको रबर के पैडिंग मिलेंगे, और ये जो पूरा लोहा है ये पूरा आपको पाउडर कोटिंग लोहा मिलेगा, और यहाँ पर आपका एक रिसेट का स्विच दिया हुआ है, अगर आपकी मोटर में या मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है आप यहाँ से उसको रिसेट कर सकते हैं, और ये भी पूरा प्लास्टिक का दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके मशीन की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, लंबा टाइम तक आप मशीन को इस्तेमाल करेंगे और काट आपका नहीं लगेगा। तो अब शुरू करते हैं, इसके अंदर पहले हम फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरी गाड़ी के ऊपर, उसके बाद फिर हम इसे वॉश करके आपको बताएंगे। चलिए करने के लिए शुरू करते हैं। पहले टायर पे मार हाँ टेस्ट हो जाएगा, हाँ हल्ला लेते पंप पे, पूरा हमारा गाड़ी वाइट हो अंदर क्या किया है, मैंने अमेजोन का लिक्विड इसमें डाला हुआ है, तो ये क्या अमेजोन का जो लिक्विड है बहुत ही हैवी क्वालिटी का है, जिससे आपका फॉर्म बहुत ही अच्छा बनेगा और गाड़ी के अंदर आपको बाद में कपड़ा मारने की कोई जरूरत नहीं रहेगी।
तो ये बाइक के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। अगर जिसके यहाँ रोज का 30-40 बाइक आ रहा है अगर आपके वर्कशॉप में, और अगर आपके यहाँ का रोज का 30-40 बाइक आ रहा है तो ये फोम केन आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। देखिए पहले क्या हालत है गाड़ी का और अब हम सर्विस करेंगे फिर क्या होगा। दो बाइक और एक कार, तीन चीज का हम एक साथ में बता रहे हैं, इससे क्या है कैपेसिटी भी चेक हो जाएगा। 20% यहाँ पर सिर्फ फॉर्म भरा हुआ था और आपको आइडिया आ जाएगी कि उससे हम कितना गाड़ी कवर कर सकते हैं। कि भाई जो बंदे एक ही साथ में गाड़ी धो रहे हैं इनके पास बड़ी जगह है। अरुण भाई कितना लीटर फॉर्म टैंक भरा हुआ था? ये 60 लीटर फॉर्म टैंक भरा हुआ था। अच्छा 50 लीटर तो कंफर्म इसमें आ ही जाते हैं पानी, उसका कैपेसिटी है 50 लीटर का। उसके अंदर आप अगर 2 लीटर भी लिक्विड डाल देंगे, केमिकल डाल देंगे, तो आप भयंकर इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सिर्फ इसके अंदर इतना सा फॉर्म पानी का इसके लेवल के ऊपर 20% जितना पानी होगा, मगर उसके बावजूद भी ये 3 गाड़ी को पूरा कवर कर लिया। 10 से 12 लीटर सिर्फ भरा हुआ होगा उसमें। एक और हाथ मार रहे हैं, एक और राउंड ले रहे हैं, इनको खत्म ही कर देना है अरुण भाई पूरा। हम लोग क्या है चीज की वारंटी चेक कर लेते। अब कितना गाढ़ा निकलता है? ये एंड आ गया है, बिल्कुल हो गया, फॉर्म टैंक के कंप्लीट खत्म हो चुका है। बिल्कुल तलिए का माल आ रहा है, एकदम मलाई आ रही है, मलाई देखिए, बिल्कुल मलाई आ रही है। पूरा मेटल पार्ट्स के ऊपर, इंजन के ऊपर, और ये हारून भाई खत्म हो गया किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा इसको, मैं आपको कंप्लीट अब धोके बताऊंगा और इसके अंदर आपको 0 का एक नोजल लगा के बता दूंगा, 15 डिग्री का नोजल लगा के बता दूंगा और 40 डिग्री का एक नोजल लगा के आपको बता दूंगा। कौन सा लगाया? 15 डिग्री का मैंने लगाया हुआ है। आगे की तरफ लाओ अरुण भाई, पूरा डर्ट आगे की तरफ लाओ। ठीक है, पूरा आगे की तरफ लाओ। हाँ अरे बाप रे बाप, सही है। अभी मैं क्या करूंगा, ये अभी तक पानी चालू है, देख सकते हैं। हाँ। पानी खत्म नहीं हुआ है अभी भी। मैं लास्ट में लास्ट आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। देखिए पीछे का देख लीजिए आप, और ये बाप रे नंबर प्लेट के पास पूरा वाइड हो गया गाड़ी, और ये अब खत्म हुआ, एक बाल्टी खत्म हुआ ना, एक बाल्टी खत्म हुआ, एक मिनट चला। अब मैं क्या करूंगा इसको डायरेक्ट इसमें लगा दूंगा। अच्छा तो हमने यहाँ पर पीली वाली जो हमारी पाइप है वो इस मशीन के साथ अटैच कर दी है आईमैक्स के, और थम्स अप हारून भाई, थम्स अप। ओके ये पानी का कनेक्शन चालू कर दिया, अभी देखते हैं। अभी हमने नलके के पानी पर ले लिया इसको और मोटर को स्टार्ट कर देते हैं, पंप स्टार्ट। अब इसका परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों, पूरा ये गाड़ी जो है वो कल हम लोगों ने ऑयल से साफ किया था इसको टर्पेंटाइन मार के,
बहुत स्मूथ है अरुण भाई, पावरफुल भी है और स्मूथ भी है, दोनों की कॉम्बिनेशन है। अभी कितनी आसानी से साफ कर रहे हैं, बिल्कुल भी गर्दा नहीं है। आगे के भाग में आ जाते हैं, हम पूरा घूम लेते हैं। पाइप का सेटिंग थोड़ा देखना पड़ेगा आउटडोर में, यार बहुत ध्यान रखना पड़ता है आउटडोर में। तो ये पाइप का कनेक्शन, पाइप वैसे काफी लंबा है, अब यहां पर आपको परफॉर्मेंस पता चलेगा। पूरा मेल कट्टा नजर आ रहा है, देख लीजिए, आपने नंबर प्लेट तो पहले देखा ही हुआ था, और अब ये पूरा बोनेट का भाग जो है वो क्लियर हो रहा है। अभी हम वापस अलग नोजल लगाएंगे, जीरो वाला नोजल भी लगा के बता देंगे। थोड़ा बाइक को धो भाई, निकल रहा है पूरा इंजन के पास मारो अरुण भाई। हाँ ये रहा, बस नजर आ रहा है। कितने साल पुराना बाइक है अरुण भाई आपका? मेरा 15 साल पुराना हो। 15 साल पुराना बाइक है, आप देख सकते हैं इसमें 2006 का मॉडल है ये। 2006 और ये भी आ गया 2007, नंबर प्लेट देखी थी आपने। अब इसका परफॉर्मेंस और कलर जो उभर कर आ रहा है, ब्लैक हो गई पूरी गाड़ी, एक बरस से धोया नहीं था भाई इसको। देखिए डेमो में हमारा गाड़ी भी धुल गया, पूरा ब्लैक हो गया ये। अगर आपको भी अपना गाड़ी, हमारे व्यूअर से कहूंगा आपको भी अपना गाड़ी धुलवाना हो तो आप आ सकते हैं, जरूर हमारे को कॉल करके आ सकते हैं। लेकिन गंदा होना चाहिए गाड़ी एकदम, गाड़ी गंदा होना चाहिए और सूरत आना पड़ेगा आपको। गाड़ी लेकर आप सूरत आ जाइए, हम आपको फ्री में वॉश कर देंगे। मार दे, यहाँ से बहुत जोरदार आएगा बस। अरे वाह भाई वाह, बहुत एकदम नजदीक से बता रहा हूं मैं आपको, एक भी पार्ट दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, जंपर की स्प्रिंग देख लो। हाँ भाई, नंबर प्लेट पे अभी भी जरूरत है। GJ05 सूरत, सूरत गुजरात। और जो किंग टूल का एड्रेस है, ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो किंग टूल सूरत पर ही मिलेंगे। और हमारे पास टू व्हीलर का किट मिलेगा, फोर व्हीलर का किट मिलेगा, और सारा प्रोडक्ट जो आपने अपने ख्यालों में सोचा होगा, आप जो सा भी काम करते हो, कारपेंटर का काम करते हो या पेंटिंग का काम करते हो या आपको पावर टूल के अंदर कोई सा भी औजार यूज करते हो, एक बार आप जरूर किंग टूल सूरत की आप मुलाकात लीजिए, आपको बहुत खुशी होगी। तो अंत करने से पहले आपको कहना चाहूंगा, जो हमारे नए व्यूवर्स है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और धन्यवाद।